नमस्ते, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं हम लोग, तो बने रहिएगा हमारे साथ। गुरु 20 जून 2021 को कुंभ राशि में बकरी होने जा रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और ये मेष राशि के लिए क्या करने वाला है, आज उसका विस्तार से हम जानकारी देने वाले हैं। कुंभ राशि के अंदर जब भी गुरु आता है वो 11वें नंबर की राशि है और मेष लगने के लिए ये 11वें स्थान पर गुरु गोचर करने वाला है। गुरु जब भी 11वें स्थान में लाभ में आपके गोचर कर रहा है और मेष लगने के लिए ये नवमेश भी है और 12वें भाव का स्वामी भी है। तो नवमेश और 12वें भाव का स्वामी होकर वो 11वें भाव में स्थित हो रहा है और वहाँ वक्री होने जा रहा है। तो वक्री को हम कैसे समझेंगे? वक्री का मतलब होता है कि जब भी ग्रह अपने से पीछे जा रहा है, जो कि वो पीछे नहीं जाता है मगर ज्योतिषीय गणना के अनुसार उसको वो जैसे पीछे जा रहा हो ऐसा लगता है हमको, तो हमें पिछली राशि का भी प्रभाव देखने को मिलता है। अब जब मेष लगने के अंदर ये 11 नंबर पर वक्री होने जा रहा है तो इसे दो तरह से देखा जाएगा। अगर आप सबसे पहले आप अपने खुद की जन्म कुंडली को खोलकर देखिए कि क्या आपका जन्म का गुरु वक्री है या मार्गी है, तो इसे दो हिस्सों में बताऊंगी मैं। जिसके जन्म में गुरु वक्री हो रखा है तो उसे ये जो वक्री भ्रमण जो 20 जून 2021 से 18 अक्टूबर 2021 यानी कि 120 दिनों के लिए ये वक्री होने जा रहा है। और अगर जन्म का हमारा गुरु वक्री है तो अब ये जो गुरु वक्री होने जाएगा तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले मैं ये आपको बताऊंगी। गुरु क्या है? तो गुरु का है, गुरु मूल रूप से हमारे सुख का, हमारे धन का, हमारे गुरुजन जिसे हम बहुत मानते हैं उसका कारक है, सुख का कारक है, धन का कारक है। जो लड़कियां होती हैं उनके लिए ये पति का कारक है। तो हर प्रकार का सुख है, ज्ञान है, अध्यात्म है, ये सब कुछ हमारा गुरु के साथ जुड़ा हुआ है। अगर यही हमारा वक्री हो रहा है तो जब जन्म के अंदर वक्री है हमारा गुरु तो ये जो 20 तारीख आने वाली है उसके बाद आपके 11वें भाव में ये गुरु वक्री होगा। तो इससे क्या होगा कि अगर किसी का प्रमोशन अटका हुआ है तो वो प्रमोशन हो जाएगा 100%। प्लस अगर आप कोई नया बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो ये मेष लगने वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है अगर आपका गुरु वक्री है जन्म में। तो ये गोचर के अंदर सबसे उसकी जो दृष्टि पड़ेगी वो तीसरे भाव पर पड़ेगी, पांचवे भाव पर पड़ेगी और सातवें भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव क्या है? पराक्रम। तो आपकी पराक्रम में वृद्धि होगी। पांचवा घर, तो पांचवा घर क्या है? प्रेम है, शिक्षा है, ज्ञान है, तो इन सब की वृद्धि होगी। अगर आप संतान का सुख चाहते हैं तो ये भी एक बहुत ही श्रेष्ठ समय है क्योंकि गुरु का पूरा आशीर्वाद आप पे बना हुआ है। ये 4 महीने में आप जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचना चाहते हैं वो सोच सकते हैं। कोई नया कार्य, एक नई सोच, कहते हैं ना वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वाला काम, ये वक्री गुरु देता है। क्योंकि जन्म का भी वक्री गुरु होता है तो इस समय वो उसको एक्टिवेट करता है, तो आपके ये कार्य बहुत ही चुटकियों में हो जाएंगे। दूसरा सप्तम भाव, तो सप्तम भाव में क्या होता है कि जब पत्नी के साथ आपका बहुत ही प्यार भरा संबंध रहेगा। उसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर किसी का विवाह होने की किसी से करने की इच्छा है तो ये आपको बहुत मदद करेगा आपकी इच्छा पूरी करने में। थोड़ा सा डाइजेशन सिस्टम का ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा वेट गेन ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी ओवरऑल जिसका जन्म में गुरु वक्री है उसके लिए ये स्थिति बहुत ही श्रेष्ठ पोजिशन में कह सकती हूँ। बहुत सारी नए रास्ते खुलेंगे, बहुत सारी नई एक कहते हैं ना आशा की किरण के समान होगा ये चीज़। तो आपके लिए मैं यही कहूँगी कि ऑल द बेस्ट, गो अहेड, जो भी करना है इस दौरान इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाइए। और स्पेशली गुरु अभी शतभिषा नक्षत्र में है तो शतभिषा नक्षत्र एक अपने आप में हीलिंग चीज़ होती है। आपके अंदर की जो भी एक क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, जो भी आपके
मन में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं कि आप करें या ना करें, तो उस चीज़ के अंदर आपको वो बहुत सपोर्ट करेगा और आगे का आपका रास्ता क्लियर होता चला जाएगा। शतभिषा सवालों का जवाब ढूंढने में, परिस्थितियों का निकाल ढूंढने में बहुत सटीक नक्षत्र है, तो इसका आपको लाभ ज़रूर लेना चाहिए। तो मेष लग्न वालों के लिए ये एक श्रेष्ठ समय कह सकती हूँ। अब जिसकी जन्म में गुरु मार्गी है, अब मार्गी है और अब वो वक्री हो रहा है, तो अब इनका थोड़ा सा समस्या है। इसका रीज़न है क्योंकि हमारे जन्म कुंडली में वो चीज़ मार्गी है और अब ये वक्र पोजीशन में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके हर चीज़ में आपको स्लो डाउन महसूस होगा। जैसे प्रमोशन होने वाला हो तो वो अटक जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, चीज़ों को पकड़ के रखिएगा, बिल्कुल कोई नई चीज़ को ट्राई मत कीजिएगा। अभी ये समय आपको बहुत ही स्थिरता के साथ, आप जो भी पोजीशन पे है, अगर कोई भी हर्डल्स आते हैं, देखिए आप जहाँ भी कार्य करते हैं वो सब लोगों के साथ थोड़ा बहुत अपोजिशन हो सकता है, मगर परिस्थितियों को धीरे धीरे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपकी परिस्थितियाँ सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होगा आपको, क्योंकि आपका मार्गी गुरु है और अब वो वक्र हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानियाँ देगा। पराक्रम से आप बचेंगे 100%, मैं कहूँगी कि बचना भी चाहिए, क्योंकि समय अभी वो अनुकूल नहीं है कि आपको इस तरह का कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। फिर दूसरा, उसकी दृष्टि आपके पांचवें भाव पर भी पड़ेगी, कहीं ना कहीं आपके पढ़ने में भी आपको बहुत मुश्किलों का सामना कर सकता है, कहीं आपका मन नहीं लगेगा पढ़ने में और इस तरह के, पर लगे रहिए, गुरु की कृपा कहीं ना कहीं तो बनी रहती है, इतना भी बुरा नहीं होता है। मगर अगर कहीं कोई एडमिशन्स का है तो बहुत ही लेट हो जाएगा और आप जैसे कोशिश करेंगे कहीं नहीं भी हो पाए, मगर धीरे धीरे होते होते कहीं ना कहीं लेट ही सही मगर होगा, मगर थोड़ा थोड़ा अटक अटक के काम होगा, एकदम से जो होता है ना एकदम फ्लॉलेस वो नहीं हो पाएगा। स्पाउस के साथ भी थोड़ा सा अनबन हो सकती है, अगर कहीं कुछ तय हो, कोई भी परिस्थिति ऐसी आती है तो उसे आप मैनेज करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या इस तरह की परिस्थितियों में आपको किस तरह से करना चाहिए, क्या करना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपका हेल्थ का भी आपका ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल इतना बुरा नहीं है, मगर हाँ, जो कार्य एक बार में होते हैं वो नहीं होंगे जो मार्गी गुरु के साथ जुड़े हुए हैं, बाकी ओवरऑल अच्छा पोजीशन है। अभी एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी कि गुरु जब भी वक्री होता है ना, तो वो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड गेंस भी देता है, और स्पेशली जो मेष लग्न वाले हैं उन लोगों के तो नवम भाव का स्वामी है, तो गुरु के सानिध्य में रहिए और लॉन्ग जर्नीज हो सकती है, प्लस आपको अनएक्सपेक्टेड गेंस भी हो सकते हैं, तो बने रहिएगा, गुरु की कृपा कहीं ना कहीं आपके ऊपर बनी हुई है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गुरु के सानिध्य में रहिए, गाय की सेवा बहुत ज़रूरी है, गायों को गुड़ और चने की दाल खिलाइए, जितना हो सके गायों की सेवा कीजिए, अपने से बड़ों की सेवा कीजिए, और सेवा करते करते ऑटोमेटिक आपके अंदर वो एक धैर्यता आएगी, आपको क्या करना है उस चीज़ का, आपको आगे का रास्ता क्लियर होता चला जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र का जप आपके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि गुरु के लिए आपके विष्णु का मंत्र करना आपके लिए बहुत लाभदायक होता है, तो एक ये भी है, और एक ओम विष्णुवे नमः, इसका भी आप जप कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं हमेशा कहूँगी कि जो आपसे बड़े हैं उनका सम्मान कीजिए, गुरु ग्रह ही अपने आप में सम्मान का ग्रह है, धर्म का ग्रह है, आध्यात्म का ग्रह है, तो जो भी आपके घर में हैं, बड़े बूढ़े हैं, उनका सम्मान कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, तो गुरु कहीं कभी भी कुछ गलत नहीं, मार्गी हो वक्री हो, मगर आपको कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करता है, तो यही आप आगे का रास्ता आपका ऑटोमेटिक आपका क्लियर होता चला जाएगा। और आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, अगर कोई भी कमेंट्स है तो आप ज़रूर बताइएगा, और आगे की सब बहुत सारे गोचर को भी मैं कवर करने वाली हूँ, तो आई विश के आगे भी आप जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच, जय श्री कृष्ण।